ठीक है, तुम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले हमको यूजर क्रिएट करना है। क्या करना है? यूजर क्रिएट करना है। तो यूजर कैसे क्रिएट करते हैं? यूजर क्रिएट करने की कमांड क्या होती है? यूजर क्रिएट करने की कमांड होती है यूजर ऐड स्पेस यूजर का नाम। तो आपने यूजर वन क्रिएट किया, यूजर ये हो गया क्रिएट। अब आप देखोगे अगर एटीसी पासवर्ड फाइल के अंदर किस नाम से यूजर अवेलेबल है कि नहीं। क्रिएट हो गया, हो गया नहीं यूजर वन क्रिएट। अब सेम हमें चेक करना है ग्रुप के अंदर किस यूजर के नाम से ग्रुप बना कि नहीं बना ग्रुप, राइट। और सेम शैडो में ये यूजर अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन पासवर्ड नहीं है क्योंकि पासवर्ड आपने सेट ही नहीं किया। चलो हम पासवर्ड सेट कर देते हैं। अब चेक करते हैं, अब पासवर्ड भी आ गया यूजर का, आ गया ठीक है। सेम इस यूजर की होम डायरेक्टरी भी बनी होगी, ये देखो बना हुआ है यूजर वन, देख रहे ये इंटर, ये यूजर की प्रोफाइल, मतलब ये प्रोफाइल ठीक है। अब यूजर की मेलिंग अकाउंट वेयर के अंदर, स्कूल के अंदर, मेल के अंदर एलिस करोगे आप, देखो यूजर वन दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि यूजर वन स्टाफ टू के बगल में है ना, गुड। तो यूजर एड का मार्च शुरू है ठीक है, क्लियर। अब मैं ग्रुप बनाता हूं, ग्रुप एड एमपी यूपी, मैंने दो ग्रुप बनाया ठीक है, एक एमपी नाम का ग्रुप बनाया और एक यूपी नाम का ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, यूजर ऐड करेंगे, यूजर टू का प्राइमरी रूप क्या होगा हमारा, कहां कहां लिखा है, डिफाइन किया यूजर टू का प्राइमरी रूप क्या, फिर यूजर टू ही होगा। अगर किसी यूजर का प्राइमरी ग्रुप आप डिफाइन नहीं करते हो तो उसी यूजर के नाम से वो ग्रुप बनता है प्राइमरी ग्रुप का, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो यूजर्स यूपी, सॉरी ग्रुप यूजर टू, ये यूजर टू का मैं ग्रुप देख रहा हूं, यूजर टू के कितने ग्रुप है ये बता रहे, यूजर टू के दो ग्रुप है, यूजर टू एक प्राइमरी ग्रुप है और एमपी सेकेंडरी ग्रुप है इसका। नीचे लिख क्या रहा है, लिखा यूजर टू कॉलन, पहला वाला हमेशा प्राइमरी ग्रुप होता है और सेकेंड वाला हमेशा सेकेंडरी ग्रुप होता है। क्लियर, चलो अब ओके। आपने क्या किया, यूजर ऐड प्राइम ग्रुप यूजर थ्री क्या है, एक चीज है
ईटीसी ग्रुप फाइल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ईटीसी ग्रुप फाइल के अंदर जिस ग्रुप के सामने यूजर दिख रहा है, यदि यूपी ग्रुप है, इस यूपी ग्रुप में यूजर टू यूजर थी दोनों ऐड है, इस एडमिन ग्रुप में डेवोप्स और एडमिन दोनों ऐड है, डेवोप्स और एंसिबल दोनों ऐड है ना, बिल्कुल जिस ग्रुप के यूजर डिस्प्ले होते हैं ईटीसी ग्रुप फाइल के अंदर वो हमेशा सेकेंडरी ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप कभी भी अपने यूजर को शो नहीं करता है ग्रुप फाइल के अंदर, मैं दिमाग में डालूंगा, ठीक है। क्यों कि मैंने आपसे बोला अभी स्टार्टिंग, सबसे पहले ये बोला था किसी भी यूजर का प्राइमरी ग्रुप एक ही होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप बहुत मल्टीपल कोई लिमिट नहीं, ठीक है। इसलिए सेकेंडरी ग्रुप अपने यूजर को दिखाता है, लेकिन प्राइमरी ग्रुप कभी भी अपने यूजर को शो नहीं करता। प्राइमरी ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो जिस नाम पे मैं हूँ उसी नाम से मेरा यूजर है, ठीक है, क्लियर। इसलिए हम प्राइमरी ग्रुप यूज नहीं करते, जो डिफॉल्ट प्राइमरी ग्रुप है वही रहता है, हम कभी यूज नहीं करते प्राइमरी ग्रुप। जो भी खेलते हैं हम आई एम में आईडेंटी आई एम में वो पूरा सेकेंडरी ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप को हमेशा साइलेंट करके रखते हैं। और जो सुपर परमिशन भी लगाते हैं वो भी सेकेंडरी ग्रुप के साथ, प्राइमरी ग्रुप तो अभी यूज ही नहीं होता, पूरा गेम प्ले पूरा सेकेंडरी ग्रुप होता है, क्योंकि आप यूजर हो, आप मल्टी टैलेंटेड बन गए, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, अगर प्राइमरी ग्रुप के साथ ये पॉलिसी करेंगे तो ये पॉलिसी लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। और बहुत हर जगह ऐसा होता है कि आई एम आई मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं तो बंदों को सिर्फ किया जाता है, इसको यहाँ से ऐड किया, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, वहाँ से ऐड किया, तो इस चीज में ना हमें जरूर नहीं होता, पूरा अंदर सेकेंडरी ग्रुप से बन जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है ना। तो आपने यूजर क्रिएट किया, ग्रुप भी ऐड कर लिया, एग्जिस्टिंग ग्रुप को कैसे ऐड करोगे, सपोज आपने यूजर फी एडेड है, यूजर मोड हाइफन स्मॉल जी हाइफन कैपिटल जी एम पी यूजर थ्री, चेंज क्यों कर दिया, मैंने क्या बोला आपसे, सेकेंडरी मल्टीपल हो सकते हैं यूजर, मतलब यूजर थ्री एमपी में भी यूजर थ्री यूपी में भी, सेकेंडरी चल रहा है, सेकेंडरी में एडेड है, अब डिपेंड करता, काम नहीं करवा रहा हूँ अभी, मैं काम करवाऊंगा, परमिशन दिया क्या, क्लियर है आपका, चलो अब हम बात करते हैं डिलीट करने की, यूजर डेल स्पेस यूजर थ्री, यूजर डेल स्पेस हाइफन आर लगाना था, पता है, अब पता है इससे क्या हुआ, होम डायरेक्टरी डिलीट करनी पड़ेगी मैनुअली, मेरे यूजर थ्री की सीडी वेयर स्कूल मेल के अंदर आना पड़ेगा और यूजर थ्री फाइल को डिलीट करना पड़ेगा, अगर यूजर डेल इस पर हाइफन आर लगा देगा तो ये करना नहीं पड़ता, तो सब डिलीट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। ग्रुप डेल बहुत कुछ है इसके अंदर, वो तो काफी रनिंग कर रही है, बहुत कुछ हो गया, वो छोड़ो हमें अपना देखना,
ठीक है। अच्छा यूजर वन यूजर टू को डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं मिलेगा होम में यूजर वन, देख लो ना यूजर टू मिलेगा। सेम आपका वेयर टू मेल के अंदर देख लो, क्लियर। ओके तो आपने यूजर डिलीट कर दिया, ऐड कर दिया, ग्रुप में ऐड कर दिया, ग्रुप मॉडिफाइड कर लिया है ना, एग्जिस्टिंग यूजर को ऐड कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। पासवर्ड सेट कर लिया आपने, ठीक है जी। अब देखते हैं परमिशन। सबसे पहले मैंने एक डायरेक्टरी बनाई डेटा नाम, डेटा आईडी की परमिशन क्या है, एलएस पर सेवन आई डी फोर डायरेक्टरी 755 की परमिशन है। ओनर इसका रूट है, ग्रुप इसका रूट है, ये इतने तारीख पे डायरेक्टरी बनी है। बारे समझ में सबसे पहले डी, डी मतलब फिर आर डब्ल्यू एक्स ओनर का हो गया 7, आर डैश एक्स ग्रुप का हो गया 5, आर डैश एक्स 5 हो गया अदर का, फिर 2 मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर दो फाइल है डायरेक्टरी का, और इसका ऑनर रूट है, इसका ग्रुप रूट है, और 6 जून 30 तारीख को इतने बजे ये फाइल डायरेक्टरी बनी है। क्लियर है अभी लाइन, क्लियर है समझ में आ गया लाइन में तो मतलब गुड। मेरे को क्या करना है, मेरे को एक ग्रुप बनाना है। सबसे पहले ग्रुप सॉरी ग्रुप ऐड, ठीक है, और यूजर ऐड स्पेस आईफोन कैपिटल जी स्पेस एम पी यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री फोर देख ले, इट इज ग्रुप फाइल के अंदर भी देख सकते हो। ये सभी सेकेंडरी इसलिए दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। अब मेरे को क्या था ना, एक यूजर मैंने बनाया भारत में, अभी परमिशन आपको दिखा रहा है मैंने क्या है डेटा आईडी की, ये सी एच एम आई पर कैप्टन आने लगा रिकर्सिव डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी फाइल 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 सभी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भारत में, ठीक है। क्लियर परमिट चेक करें, आप एल डी डी मतलब डायरेक्टरी, डी लगाऊंगा तो डेटा आईडी के अंदर की फाइल आईडी की परमिशन बता दो, ठीक है भाई। परमिशन समझ में आया, देखो ठीक है। अब यहां पे देखो यूजर वन से लॉगिन करूं मैं एसयू स्विच यूजर, यहां देखो स्विच यूजर एसयू, मैं एक यूजर से दूसरे यूजर से कनेक्ट हो रहा हूं। डेटा आईडी के अंदर जा पाएगा यूजरों को क्या परमिशन है, मतलब एक यूजर से दूसरे यूजर को कनेक्ट कर रहा हूं एक विद इन एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पहले रूट यूजर था, यूजर वन से कनेक्ट करना है तो एसयू से दूसरे यूजर पे जा। यूजर वन को क्या परमिशन है डेटा आईडी के अंदर, तुम बताओ सेवन है यार, एमपी ग्रुप है, एमपी को 7 की परमिशन है, देखो अदर को 0 की परमिशन है, एमपी में यूजर वन है,
यूजर वन को सर्वर की परमिशन होगी, बिल्कुल अंदर जा पाएगा, एरेस कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, राइट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, सेवन से बड़ी कोई परमिशन नहीं। सेम एक यूजर क्रिएट कर दूंगा अंदर, इसको क्या परमिशन है बाहर, कहाँ पे, किस पे, किस पे, डेटा नॉन भी डायरेक्टरी पे चेक करते हैं। एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा, रीड और राइट तो बहुत दूर की चीजें, पहले एग्जीक्यूट तो कर ले। जीरो की परमिशन है, क्यों, अनवर अदर में आ रहा है, ठीक है भाई, चलो प्रैक्टिस करो भाई।